25 साल का शिवा नाम का एक तांत्रिक, जो कि रात के अंधेरे में 2 से 3 बजे के करीब प्रभाकर निवास के सामने एक गुस्से से लथपथ खड़ा होता है। क्यों खड़ा होता है, ये स्टोरी जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, दिल थाम के बैठ जाइए और पूरा जरूर सुन के जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये कमला नाम की एक डायन जो कि चुड़ैल की स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। और ये प्रभाकर निवास के सामने शिवा नाम का एक तांत्रिक जो खड़ा होता है, ये घूर रहा होता है प्रभाकर निवास को, क्योंकि यहां कोई भी नहीं जाता। सबको पता है कि यहां एक कमला नाम की डायन चुड़ैल रहती है, जो कि जो वहां जाता है उसका खून पी लेती है और उसको उसके मांस भी खा लेती है, सबको मार देती है जो जहां जाता है। वहां का खौफ बहुत ज्यादा होता है, पर ये जो शिवा नाम का तांत्रिक है ये थोड़ा सा निडर है और ये पहले भी 1-2 बार ट्राई कर चुका है, पर उस टाइम इसका हौसला नहीं बना। पर अब की टाइम 2-3 बजे के करीब, ये सुबह का टाइम हो जाता है, मतलब आध रात्रि को वहां पहुंचता है और घूर रहा होता है और दोनों हाथों की मुठियों को बंद कर लेता है और पूरे जोश के साथ जो कि प्रभाकर निवास की तरफ बढ़ता है। तो जैसे ही प्रभाकर निवास के मेन एंट्रेंस पर पहुंचता है तो उसके मेन जहां मेन गेट है हॉल में जाने का, जहां निवास के अंदर जाने का, बंगले के अंदर जाने का, वहां आग जल रही होती है। वहां के खड़ा हो जाता है शिवा नाम का तांत्रिक। तो जैसे ही वहां खड़ा हो जाता है, सबसे पहले तो वो आग को शिवा बुझा देता है और जो हवेली होती है उसके अंदर एंट्रेंस पर पैर रखता है। उसे पहले ही अंदर आते ही सार एक नेगेटिव वाइब्स जो उसको पीछे धकेल रही होती है कि चला जा नहीं तो तुम्हारा जाएगा। पहले कमरे में देखता है, एक होल होता है सामने प्रभाकर निवास में, गेस्ट रूम वहां देखता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता अब की बार उसे, और अपने मंत्रों का जाप तांत्रिक वो करता रहता है। ज्यादा उम्र भी नहीं थी, 24-25 साल का वो तांत्रिक। आगे बढ़ता है, 1 कमरे 2 कमरे 3 कमरों में देखता है। जैसे ही वो वहां के प्रभाकर निवास का जो वहां के एक लड़के के कमरे में जाता है तो वहां उसको एक पायल की छनछन की आवाज आती है। छनछन की आवाज जब आती है तो उसके सामने वो उस तरफ ही दौड़ता है जिस तरफ आवाज आ रही होती है और मंत्रों का जाप करता रहता है। पर अब उस जो तांत्रिक था शिवा, उसको थोड़ा डर लगने लग जाता है। एकदम से वो जब रूम का गेट खोलता है जहां से आवाज आ रही थी, तो सामने उसके कमला जो खड़ी होती है, जो उसको आवाज लगा रही होती है कि बहुत टाइम हो गया, अरसे बीत गए, पर मेरे शिकार में कोई नहीं फंसा, मेरे जाल में कोई नहीं फंसा, कोई यहां आया नहीं है, मैं बहुत टाइम से भूखी हूं, मेरे को मांस चाहिए, मैं तेरे को खा जाऊंगी, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, ऐसी आवाजें वहां से उसको देने लगती है। तो ये सुनकर शिवा डर जाता है और एकदम से मंत्रों का उच्चारण करने लगता है कि कमला भाग जाए वहां से, क्योंकि वो जो शिवा था उसने ठान रखी थी कि ये कमला को मैं यहां से भगा के रहूंगा प्रभाकर निवास, इसे मुक्ति में दिला के रहूंगा कमला नाम की चुड़ैल को। पर एकदम से क्या होता है, कमला उसकी तरफ भागती है जैसे कि भूखा शेर शिकार की तरफ भागता है। जैसे भागी तो प्रभाकर डर के एक कमरे की तरफ भागता है, तो कमरे में एक दरवाजे के साथ जहां वहां का राजकुमार कपड़े वगैरह रखता था, अलमीरा होती है, तो अलमीरा में अपने आप को लॉक कर लेता है। 2-4 मिनट बाद वही रूम की तरफ एक चलने की आवाज आती है, वो कमलाई थी जो चल के आ रही है, वो चल के उसी रूम में पहुंचती है और वो अलमीरा को खोल देती है। तो प्रभाकर डर के मारे रोने वाली स्थिति में आ जाता है और जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगता है और उसके हाथ में जो विभूति होती है वो कमला की तरफ फेंकता है और उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था वो आगे पता लगेगा। और इसी के साथ कमला
उसकी तरफ एक कुर्सी पड़ी होती है जो कि अपनी शक्तियों से शिवा की तरफ फेंकती है और शिवा वहां गिर जाता है और उसके चोट लगती है और शिवा मंत्र पढ़ते पढ़ते वहां से भागने की कोशिश करता है, बहुत जोर से भागता है और मेन गेट के पास आते गेट खोल के और लॉक करके प्रभाकर निवास का और बाहर निकल जाता है। पहले दिन जिगरा करके गया पर उसके साथ जो बीता वो बच गया, ये उसके लिए बढ़िया था कि वो बच गया सेकेंड टाइम जाने के लिए। वो पहले भी ट्राई कर रहा था पर अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा था क्योंकि सबको पता है कि वहां कमला चुड़ैल रहती है जो कि इंसान को खा जाती है, जीदा को। तो वो वहां से तांत्रिक जो बाहर निकल जाता है और बड़ी दूर एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है और कुछ टाइम बैठने के बाद फिर वो चलने लगता है। चलते चलते उसे एक अघोर तांत्रिक कह सकते हैं जो उससे भी बड़ी प्रसिद्धि का तांत्रिक बैठा होता है। वो तांत्रिक जी के पास जाता है क्योंकि वो साधना कर रहे होते हैं तांत्रिक जी, और उनको जाके बताता है कि मेरे साथ वहां आज ही होगा, कमला नाम की चुड़ैल जिसने आज मेरे को मार देना था और मैं बच के यहां तक पहुंचा पता नहीं कैसे। ये सारी चीजें सुनने के बाद वो जो बाबा तांत्रिक होते हैं वो छोटी उम्र के तांत्रिक शिवा को बताते हैं कि जब किसी स्टोरी के बारे में ना पता हो तो उस चीज को छेड़ना नहीं चाहिए, पहले किसी चीज को हाथ डालने से उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी जरूरी है, पूरी नॉलेज के बिना और अधूरे ज्ञान के बिना किसी भी चीज को टारगेट नहीं करना चाहिए, एस्टिमेटेड नहीं करना चाहिए, एस्टिमेट नहीं लगाना चाहिए कि मैं इसको ऐसे कर दूंगा, मैं घर से भगा दूंगा। तो ऐसे सुनते सार उसने कहा कि गुरुजी फिर क्या करना होगा, क्या स्टोरी थी इसकी। तो गुरुजी वहां की स्टोरी बताते हैं कि ये एक प्रभाकर निवास, वहां के एक बड़े जिमीदार जिनका ये हवेली थी, महल था बहुत बड़ा, और उनका एक ही लड़का था और उसकी शादी वो लड़के ने अपनी मर्जी से किसी गरीब घर और छोटी जाति वाली लड़की से कर ली थी जो कि उसी घर में काम करती थी जिसका नाम था कमला। पर ये बात उसके पिताजी को, प्रभाकर निवास के मालिक को सही नहीं लगी, तो उन्होंने उसे दंड देने की सोची कमला को, और कमला को उन्होंने मृत्यु दंड देने की सोची। पर कमला की एक ख्वाहिश थी, कमला से पूछा कि तेरी क्या ख्वाहिश है, तो कमला ने कहा मेरे को पहले हार श्रृंगार पहना दीजिए, विवाह वाला जैसे वाइफ लड़की पहनती है वैसा श्रृंगार पहना दीजिए, फिर मेरे को दंड दीजिए। तो ऐसे करके उसको तैयार करके आग से तेल डालकर उसको जला दिया। ये 1900 के आसपास की सन की जो मैं आपको कहानी बता रहा हूं, तो उसको जला दिया। पर वो जाते जाते प्रभाकर निवास के होने वाले जो लड़का है उसको एक बात कही कि मैं दोबारा वापस जरूर आऊंगी। कुछ साल बीते, सारी चीजें बदलने लगी और प्रभाकर निवास के जो लड़का था उसकी एक अलग जगह शादी कर दी, बढ़िया घर ढूंढ के। पर उसकी जो घरवाली आई थी उसको वो ऐसी चीजों से अनजान थी। कुछ दिन बाद ही वो लड़की में कमला नाम की वो जो कह के गई थी कि मैं आऊंगी, तो वो आ गई, तो वो ठीक नहीं रहने लगी, बीमार रहने लगी। इसी बात की पूरी ये कमजोरी देखकर जो उनके प्रभाकर निवास के मालिक थे उन्होंने तांत्रिक बुलाए, पर किसी से भी ये चीज समझ में नहीं आ रही थी। और एकदम से क्या होता है, अमावस्या की रात वो कमला नाम की चुड़ैल जो उसकी पत्नी में आई थी वो सभी जनों का हत्या कर देती है, सभी जनों की हत्या कर देती है और मार देती है और उनका मांस खा लेती है। उस टाइम से वो हवेली को हॉन्टेड हवेली कहा जाता है और कोई भी वहां जाता नहीं है क्योंकि सबको पता है वहां कमला नाम की चुड़ैल अभी भी भटकती है। उसी को शांत करने के लिए शिवा ने यह प्रण लिया था, पर यह सारी स्टोरी सुनने के बाद उन्होंने बताया कि ये कमला को शांत करने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए वहां 5-7 तांत्रिक गए थे जिन्होंने अपना सारा क्रियाक्रम
इसकी शक्तियों में इसे दूर भगाने के लिए लगता है वो उनको ही पता था। और पर उन्होंने कमला वहां जो हवेली थी वहां जाके वो यज्ञ करना था, पर यज्ञ में लगने वाला सामान भी लेके गए थे, पर कमला ने उन्हें भी मार दिया, छल से मार दिया। और वो जो सामान था कमला ने वहीं कहीं खिड़की में कहीं लुका, मतलब छिपा कर रखा हुआ है कि किसी को मिल ना जाए, दोबारा से मेरे को मुक्ति ना दिला दे कोई। पर ये बात सुनकर प्रभाकर वहां से, जो प्रभाकर हवेली थी वहां की तरफ निकलता है, शिवा तांत्रिक वहां से दोबारा जाता है अगले दिन, वही टाइम 12 के आसपास का, 12 एक बजे के आसपास का टाइम, जब वो जहां जाता है प्रभाकर निवास में जाता है दोबारा से निडर होकर, मंत्रों का जाप करता, सभी कोठी पूरी जो हवेली थी उसमें चारों तरफ देखता है, कहीं उसे कमला नहीं मिलती। फिर वह कैसे कमरे में जाता है जहां उसे एक लोटे में जल मिलता है, वो जल उठा लेता है, उसे लगा कि ये भी वो तांत्रिक का ही है। और एक कमरे में जाता है जहां उसे सारी चीजें मिल जाती है जो उन तांत्रिक की तरफ से था, वो सारी चीजें मिल जाती है। उतने में वहां कमला आ जाती है, कमला उसको कहने लगती कि ऐसा करेगा तो मैं तेरे को अभी खा जाऊंगी, यहां से भागना है तो भाग जा। पर वो डटा रहता है, कमला उसके पूरे शरीर पर नाखूनों से वार करती है और उसे लहूलुहान कर देती है, पर वो फिर भी डटा रहता है कि इसे मुक्ति दिला के रहूंगा। वो सारी चीजें ढूंढ के एक कमरे में बैठ के जहां यज्ञ चल रहा होता है वहां वो सारी चीजें मंत्रों का जाप करने लगता है। उसी टाइम कमला वहां आती है और उसे आग लगी होती है, और 5-7 मिनट बाद यज्ञ जैसे ही पूरा होता है तो वैसे ही वो एक हवा के रूप में निकल जाती है। ये थी कमला की कहानी, जो कि सन 1900 के आसपास की कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, मनोरंजन वीडियो, नई नई हॉरर स्टोरी, इसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।